पढ़ लिया है। फिजिकल क्वांटिटी से शुरुआत की थी। फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू टाइप होते हैं कौन कौन से बताओ? फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? ड्राइव यूनिट। ये अपना मस्त है। इसके बाद आगे क्या पढ़ा आपने? इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ा था? हाँ, सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। इन दोनों के सेट को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये अपने को समझते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या होगा, कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के यूज में लाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आगे? नेक्स्ट हमने इसमें ये पढ़ लिया था कि अगर हम लोगों को किसी क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है उसको? क्या करना पड़ता है उसको? हाँ, उसको क्या करना पड़ता है? उसको हम लोगों को बेसिकली फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर देते हैं। उसके पावर के टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। उसी टर्म को क्या मिल जाता है? डायमेंशन। डायमेंशन निकालना सिखा लिया हमने। और इसके बाद हमने क्या किया? डायमेंशन के बाद हमने क्या निकाला? हमने डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन कौन कौन से एप्लीकेशन किए? हमने कन्वर्जन फैक्टर निकालना सीखा। कन्वर्जन फैक्टर और क्या निकाला उसके बाद बताओ? डायमेंशन एनालिसिस का और क्या निकाला? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन करेक्टनेस फाइंड आउट किया। और क्या किया? कल स्टार्ट किया था हमने टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने कल स्टार्ट किया। यही अपना ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ मैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे के डायमेंशन दिए होते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने अब तक कर लिया। इसके बाद जो है समझो हमको क्या करना है? हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास क्या होता है, कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ये चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन कौन से पावर पे डिपेंड करती है ये हमको नहीं पता था। जैसे हमने क्या किया था, हमने कल एक पेंडुलम लिया, उसको क्या कर दिया? ऑसिलेट करवा दिया और कहा कि उसका टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कौन से पावर पे डिपेंड करता है ये नहीं पता था। तो हमने क्या कर दिया? डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके क्या कर दिया? वो पावर को कैलकुलेट कर दिया। बस समझ में आई? ठीक, चलो। आज वैसे ही क्या करते हैं और एक प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ऐसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम करते जाओगे क्लैरिटी आती जाएगी इसमें। ठीक है, चलो। और एक प्रॉब्लम क्या होता है इसके अंदर समझो? आपने एक पार्टिकल को ऐसे घुमाया, यानी क्या कर दिया? आपने एक रस्सी ली, यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर बांध दिया मान लो, और उसको क्या कर रहे हैं आप लोग? सर्कल में घुमा रहे। जैसे इसको सर्कल में घुमाते हैं तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है? पड़ा हुआ सुन सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। मैं इस फोर्स को बोलता हूँ मोड़ने वाला फोर्स। क्या होता है उसको? मैं मोड़ने वाला फोर्स। ये वो फोर्स होता है जो पार्टिकल को मोड़ देता है। अगर ये फोर्स नहीं हुआ तो पार्टिकल मुड़ेगा नहीं, पार्टिकल मुड़ेगा नहीं तो सीधा चलेगा। समझ में आ गया? तो एक ऐसा फोर्स होता है मोड़ने वाला फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिला? एक्सपेरिमेंटली हमको मिला कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे, मास ऑफ दी पार्टिकल पे, पार्टिकल का मास कितना है। ठीक, ये डिपेंड करता है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है और ये डिपेंड करता है कि उसका सर्कल का रेडियस कितना है। बात समझ में आ गई? तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मास पे कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं जानता, वेलोसिटी से कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है वो भी नहीं जानता, रेडियस के कौन से पावर पे डिपेंड करता है वो भी नहीं जानता। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इतना पता है कि हम लोग मास को चेंज करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बदल जाता है, वेलोसिटी बदलती है सेंट्रीपेटल फोर्स बदल जाता है, रेडियस बदलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बदल जाता है, लेकिन किस पावर से बदलता है वो मुझे नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके उसका पावर निकालेंगे। तो देयरफॉर क्या होगा बताओ यहाँ पर? एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के एम रेस टू ए, वी रेस टू बी और आर रेस टू सी। बस समझ में आती है? एम यानी क्या? इसके डायमेंशन बताओ फोर्स के क्या होते हैं? यहाँ पर टैग के मास का क्या होगा? इसका तो एम वन होगा, एम वन द होल रेस टू ए, वेलोसिटी का क्या होगा? एल वन टी माइनस द होल रेस टू बी और रेडियस और लेंथ है, लेंथ क्या होगा? एल वन और आर रेस टू सी। तो बेसिकली क्या बनेगा? के ये हो जाएगा एम रेस टू ए और ये क्या होगा? एल रेस टू बी, टी रेस टू माइनस बी और ये क्या होगा? एल रेस टू सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? के टाइम्स ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास क्या? एम रेस टू ए, एल रेस टू बी प्लस सी और टी रेस टू माइनस बी। बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने? बेस सेम, बीच में डिफरेंस पावर क्या होगा? ऐड होगा।
यहाँ क्या आपके पास m1 l1 t minus 2 कंपेयर करो a का वैल्यू क्या है 1 b प्लस c का वैल्यू क्या है 1 और माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस टू सर में आ गया देखो m के पावर में a m के पावर में 1 तो a का वैल्यू 1 l के पावर में b प्लस c l के पावर में 1 यानी b प्लस c का वैल्यू 1 सर में आ गया t के पावर में माइनस b t के पावर में माइनस 2 यानी माइनस b इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 2 तो b का वैल्यू क्या आएगा 2 a का वैल्यू क्या आएगा 1 और बताओ c का वैल्यू क्या आएगा बताओ c का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 2 यानी क्या होगा माइनस 2 बात समझ में आ गई तो तीनों पावर मुझे मिल गए तो देयरफॉर क्या था f इक्वल्स टू k m रेस टू a यानी m रेस टू 1 v रेस टू क्या है b b में मतलब क्या 2 और r रेस टू क्या है माइनस 1 तो क्या होगा k और ये क्या होगा mv स्क्वायर बाय r समझ में आ गया देखो उसके पावर में 1 है इसके पावर में 1 नीचे भेज दिया उसको मैं आ गया वही तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा समझ में आ गया और k का वैल्यू आप इससे नहीं निकाल सकते उसके लिए आपको दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे k का वैल्यू जबकि क्या आता है 1 आता है k का वैल्यू क्या आता है 1 समझ में आ गया आप कांस्टेंट का वैल्यू उससे नहीं निकाल सकते कांस्टेंट का वैल्यू लेकिन पावर जरूर पता कर सकते बात समझ में आ गई क्लियर है देखो क्वेश्चन क्या है इफ एरिया वेलोसिटी एंड डेंसिटी इफ एरिया वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटीज If area, velocity, and density are taken to be base quantities, then find the dependency. Then find the dependency of force on these quantities. If area, velocity, and density are taken to be base quantities, then find the dependency of force on these quantities. ठीक है फोर्स किस तरीके से डिपेंड करता है इन क्वांटिटीज पे समझ में आ रहा है ठीक है तो फोर्स किस किस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है बताओ फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है क्या बोला इसने एरिया वेलोसिटी एंड डेंसिटी समझ में आ गया एरिया का ए पावर ले लो वेलोसिटी का बी ले लो डेंसिटी का क्या कर दो सी ले लो उसके बाद तो सॉल्व कर लोगे है ना इसके डायमेंशन एरिया के क्या आएंगे L2 आएगा लेंथ इनटू ब्रेड यानी L2 इसका क्या आएगा वेलोसिटी का L1t-1 और डेंसिटी का m1 l-3 समझ में आ गया कर लोगे ना इसको सॉल्व चलो जेई का सवाल करते हैं एडवांस का ठीक है तो ये जो है हमारे पास फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो देयरफॉर क्या लिखूंगा बताओ मैं f = k टाइम्स क्या होगा एरिया रेशियो ए वेलोसिटी रेशियो बी और डेंसिटी रेशियो सी ये होगा है ना एरिया का क्या होगा बता दो क्या होगा ये हो जाएगा l2 रेस टू ए हो जाएगा उसके बाद वेलोसिटी का क्या होगा l1t-1 रेस टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा डेंसिटी का क्या होगा m1 l-3 दो रेस टू सी मास पर एंड वॉल्यूम ठीक है ना चलो तो यहां पर क्या होने वाला है m1 l1 t-2 मैंने कहा था ना फोर्स के डायमेंशन भी आप कर लो बड़े काम आने वाले हैं ठीक है चलो अब यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से k तो वैसे का वैसे ही होगा ये हो जाएगा m रेस टू सी ये लिख दिया समझ में आ गया उसके बाद क्या होगा l रेस टू 2a प्लस क्या हो जाएगा b और क्या हो जाएगा माइनस 3 समझे क्या किया मैंने l रेस टू क्या होगा 2a फिर b और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 से तो 2a प्लस b और माइनस 3 ठीक है दिक्कत नहीं समझ में आया चलो टाइम पर क्या होगा बताओ t रेस टू माइनस b t रेस टू क्या होगा माइनस b ठीक है और ये क्या अपने पास m1 l1 t-2 अब बताओ c का वैल्यू क्या है सी का वैल्यू क्या है सी का वैल्यू 1 है सी का वैल्यू 1 है 2a प्लस b 2a प्लस b माइनस 3c क्या है वो भी 1 है ठीक है और b का वैल्यू क्या बताओ माइनस b इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 2 तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बस समझ में आ गई क्लियर है चलो b का वैल्यू पुट करो c का वैल्यू पुट करो क्या निकाल लो a का वैल्यू निकाल लो बताओ क्या होगा 2a प्लस b का वैल्यू क्या है 2 माइनस 3 इनटू क्या होगा 1 इक्वल्स टू 1 समझ में आ रहा है चलो बताओ क्या होगा 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ये समझ में आता है तो 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 2 टू कैंसिल a का वैल्यू क्या आएगा 1 है देयरफॉर क्या बनेगा बताओ f इज इक्वल्स टू k टाइम्स a रेस टू a यानी a रेस टू 1 और b रेस टू 2 और c रेस टू 3 रेस टू डेंसिटी रेस टू 1 समझे क्लियर है चलो इस तरीके से मेरे पास आ गया सबका सही आया ठीक है चलो करें एक और सवाल लेते हैं मैं किसका आईआईटी का आईआईटी का
अब इसके बाद जो सवाल हम लोग करने जा रहे हैं वो IIT-JEE एडवांस 2014 में पूछा गया, वो क्वेश्चन को करते हैं। हमको क्या दिया गया है, एक रेलवे इंजीनियर है, उसने ये बताया, उसने डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके बेसिकली रिलेशन निकाला। उसने बोला कि जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं फॉगी कंडीशन है, फॉगी समझता है, फॉग समझता है क्या होता है, कोहरा, कोहरा हो जाता है ना, तो कोहरे में आप ज्यादा दूर तक देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अगर वो क्या करेगा, रेलवे की लाइट को क्या कर देगा, सिग्नल जो होगा, सिग्नल की जो लाइट आएगी, फॉगी कंडीशन में आप कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं सिग्नल को, डी डिस्टेंस तक देख सकते हैं, उसके आगे उस सिग्नल को आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि क्या है, फॉग है। तो उसने बोला कि जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ओवर विद सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशन, रेलवे इंजीनियर यूज अ डायमेंशन एनालिसिस अस्यूम्स दैट द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी यानी पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी दे दिया गया, क्या है वो पावर अपॉन एरिया और एस बोला उसको इंटेंसिटी को उसने, और उसके आगे क्या कहता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, समझ में आ गया, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। आपको क्या निकालने, क्या बोला उसने, डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एस बाय एन, एस रेज़ टू 1 बाय एन, एस क्या है उसके अंदर इंटेंसिटी है, समझ में आ गया। आपको क्या निकालने बोला है, एन का है, समझे, तो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के बीच से डिपेंड कर रहा है, बोलो डेंसिटी इंटेंसिटी मास, वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है भाई। और उसने एक और चीज बोला है कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एस रेज़ टू 1 बाय, समझ में आ गया, ये उसने बोल दिया, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, इसका पावर हमारी मर्जी है, क्वेश्चन आप तुमने लिख लिया ना, ठीक है, अभी क्या, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है बताओ, मास डेंसिटी रेज़ टू x, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा, दूसरा डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा, दूसरा डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी रेज़ टू b, मान लो वही b क्या होगा यहां पर 1 बाय n, वही b क्या होगा 1 बाय n, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या और किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेज़ टू c पे, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, d is equal to k times rho raised to a s raised to b n raised to c, बात समझ में आई, ठीक है भाई। चलो डिस्टेंस का क्या होगा, अरे डिस्टेंस तो लेंथ होती है, तो क्या हो जाएगा l1, डेंसिटी का क्या होता है बताओ, m1 l minus 3 rho raised to a, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या, ये क्या है आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर अपॉन एरिया, उसके जरा डायमेंशन निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी का क्या होगा पावर अपॉन एरिया, पावर के डायमेंशन पता है क्या होगा, m1 n2 t - 3, एक बार फिर से निकाल लें क्या, पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी तो पावर होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी क्या होता है, पावर होता है, डिनोमिनेटर में क्या एरिया, फोर्स के क्या होते हैं बताओ, m1 l1 t - 2, वेलोसिटी क्या होगा l1 t - 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा l2, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बताओ क्या होने वाला है, l2 कैंसिल, बचेगा क्या बताओ, बचेगा m1 t - 3, क्या हो जाएगा आपके पास m1 और क्या हो जाएगा t - 3, का होल रेज़ टू क्या होगा b, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/टाइम पीरियड, क्या होता है 1/टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी क्या होगा 1/सेकंड, यानी s रेज़ टू - 1, यानी क्या होगा t - 1, हो जाएगा t - 1 का होल रेज़ टू c, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है, आगे की कहानी बताओ, m raise to a plus क्या हो जाएगा b, फिर ये क्या हो जाएगा बताओ, l raise to -3a, और t raise to क्या होगा बताओ -3b - c, बस समझ में आ गई, क्लियर है। चलो ये क्या है आपके पास l1, ठीक है, ये आपके पास l1 है,
ठीक है, तो therefore यहाँ पर बताओ m और t का क्या है, m zero और t भी क्या है zero, तो a plus b क्या हो जाएगा zero हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके आगे का नहीं बताओ, l का value क्या होगा minus three a, minus three equals to क्या होगा one, और t का क्या बताओ minus three b minus c equals to क्या हो जाएगा zero। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, a का value क्या होगा minus one by three, हमको किससे लेना देना है, हमको तो s के पावर से लेना देना है, s का पावर क्या है b, तो मुझे तो b निकालना है, समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम, तो बताओ b क्या होगा, a का वैल्यू पुट करो minus one by three plus b is equal to क्या होगा zero, तो b का वैल्यू क्या होगा one by three, तो मुझे b का वैल्यू मिल गया, मुझे उसी से लेना देना था, तो therefore अब क्या हो जाएगा बताओ, therefore अब क्या हो जाएगा d is proportional to s raised to क्या है b, समझ में आ गया। और या फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर एक और चीज है, d is proportional to s raised to क्या है ये one by n, देखो इसका मतलब b equals to क्या होगा one by n, यही बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो अब क्या समझने की कोशिश करो कि b का वैल्यू कितना है one by three और ये क्या है one by n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा three, ये आपका आंसर, समझ में आया, दिक्कत नहीं, डिफिकल्ट था क्या, लल्लू क्वेश्चन था यार, IIT का सवाल है, अभी आया है 2014 में आया, ऐसा भी नहीं कि 20 साल पुराना क्वेश्चन करा, अभी आया है, कर सकते हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम कुछ भी क्वेश्चन निकाल लोगे, समझ में आ गया, मैंने आपसे क्या कहा।